गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम शमशेर सिंह फ्रॉम SPS पॉलिटेक्निक कॉलेज पट्टी एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द सब्जेक्ट मटेरियल साइंस और इंजीनियरिंग मटेरियल। सब्जेक्ट का नाम पहले आपका मटेरियल साइंस था, लेकिन पिछले साल से इसका जो नाम है वो बोर्ड की तरफ से इंजीनियरिंग मटेरियल हो चुका है। सो दैट्स वाई इट्स मटेरियल साइंस और इंजीनियरिंग मटेरियल, दोनों सेम चीज़ है। इस सब्जेक्ट से शुरू करने से पहले आपको मैं बता देता हूँ इसमें कि हम ये एक्चुअल में सब्जेक्ट है किसके बारे में, क्या क्या चीज़ें हैं जो हम इसमें हम स्टडी करेंगे। जैसे आपको नाम से पता चल रहा होगा कि मटेरियल साइंस, दैट मींस मटेरियल के इंटरनल जो भी उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उसका यूजेस है, उसके बारे में, मटेरियल की साइंस के बारे में हम सारी की सारी इस सब्जेक्ट में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट चैप्टर शुरू करने से पहले, फर्स्ट चैप्टर में इसमें आपका सारे का सारा इंट्रोडक्शन है। फर्स्ट चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको इसका ओवरव्यू दे देता हूँ आपका इसको सब्जेक्ट का, इसमें कि हम क्या क्या कौन कौन से एक्चुअली जो आपके चैप्टर हैं, कौन कौन से हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं इसमें। फर्स्ट वन तो होगा आपका इंट्रोडक्शन, जो हम आज इसको देखेंगे। सेकंड जो इसमें चैप्टर होगा वो होगा इसमें क्रिस्टेलोग्राफी। क्रिस्टेलोग्राफी में एक्चुअल में हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, इसमें हम पढ़ेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द मटेरियल, के मटेरियल के बीच में आपका जो एटम्स हैं उसका अरेंजमेंट क्या है। जैसे सपोज कर लो आयरन है आपका, तो आयरन है तो उसमें जो आपके एटम्स पड़े हुए हैं किस पैटर्न में पड़े हुए हैं, ठीक है, एक यूनिट सेल में कितने एटम्स पड़े हुए हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हम आपके क्रिस्टेलोग्राफिक सेकेंड चैप्टर में डिस्कस करेंगे। आपका जो कोई भी डिफॉर्मेशन हो रही है बॉडी के, आपने सपोज करो आपका ये बॉडी है, आपने दोनों तरफ से लोड लगाया तो बॉडी डिफॉर्म होकर आपकी शेप ऐसी हो गई है, ठीक है, अगर ये डिफॉर्मेशन हुई है तो ये कौन सी डिफॉर्मेशन है, परमानेंट है या नॉन परमानेंट है, वो सारी चीज़ें हम क्रिस्टेलोग्राफी में पढ़ेंगे। तीसरा जो हमारा चैप्टर है इसमें वो होगा हमारा मेटल एंड अलॉयस के बारे में। नाम से ही पता चल रहा है आपको कि क्या पढ़ने जा रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलॉयज इसमें हम पढ़ेंगे। मेटल्स इन द सेंस, अब ये पूरे का पूरा जो दो चैप्टर है यहाँ पर आपको पता है कि दो हिस्सों में बांट रहे हैं हम इसको, ये फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है कि कौन से आपके फेरस मटीरियल हैं और कौन से आपके नॉन फेरस मटीरियल हैं, ठीक है। फेरस लाइक आपका आयरन हो गया, नॉन फेरस फॉर एग्जाम्पल आपका एल्यूमिनियम हो गया। फेरस कौन से हैं, फेरस वो हैं जिसमें आपका जो मेन आपका कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्या होगा, आयरन होगा हमेशा, और नॉन फेरस होंगे जिसमें आपका आयरन इज नॉट अ मेन कॉन्स्टिट्यूएंट बट एनी अदर एलिमेंट इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट इन नॉन फेरस मटेरियल्स। तो थर्ड वाला जो आपका चैप्टर होगा इसमें हम सारी मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे, और इसमें जो एक मेन चीज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कंपोजिशन। कंपोजिशन इन द सेंस के मटेरियल के बीच में आपके कौन कौन से, और हमने मिक्सिंग करके जैसे सपोज करो अलॉय है तो उसकी क्या कंपोजिशन है, उसमें आयरन है तो आयरन उसमें कितना है, अगर उसमें कार्बन है तो कार्बन की परसेंटेज कितनी है, ठीक है, वो सारी की सारी कंपोजिशन हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल, जितने भी आपके मटेरियल आपके कॉमनली यूज़ किए जाते हैं वो सारी की कंपोजिशन हम तीसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके बाद जो हमारा आता है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट नाम से पता चल रहा होगा आपको कि मटेरियल को अगर हम हीट करते हैं तो उसमें कौन कौन सी मटेरियल में चेंजेस आती हैं, वो सारा हम इसके आपके हीट ट्रीटमेंट में पढ़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें आपका एक आयरन कार्बन डायग्राम होगा, वो डिस्कस करेंगे, और अनीलिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस हैं, आपका अनीलिंग है, नॉर्मलाइजिंग है, मटेरियल को सॉफ्ट करना चाहते हो आप हीट करके या हार्ड करना चाहते हो, वो सारी की सारी जो भी होगी वो आपके हीट ट्रीटमेंट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो इसमें चैप्टर होगा आपका वो होगा कंपोजिट मटेरियल का। कंपोजिट मटेरियल क्या होते हैं, दैट इज द कंबिनेशन ऑफ टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है, तो वो जितने भी कंपोजिट मटेरियल होंगे आपके, जैसे इसमें हम RCC डिफरेंट बहुत सारी हैं, इसमें जितने भी आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल होंगे वो सारे के सारे किस में आएंगे, कंपोजिट मटेरियल में आएंगे। एक आपका इसमें चैप्टर होगा प्लास्टिक्स, ठीक है, प्लास्टिक जैसे आपको पता है
कि आज जितना आपका आयरन वगैरह और स्टील का यूज़ हो रहा है उतना ही आपका प्लास्टिक भी यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर। तो इसमें क्या होगा आपका कि डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टिक, जैसे टाइप्स फर्स्ट में इसमें टाइप आएगा कि कौन कौन सी है। जैसे सपोज करो एक थर्मोसेटिंग है और थर्मोप्लास्टिक है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या इंटरनल स्ट्रक्चर है, क्या मोनोमर्स हैं आपके, क्या पॉलीमर्स हैं, वो सारी की सारी हम चीज़ें प्लास्टिक में पढ़ेंगे। तो ये आपका पूरे का पूरा सिलेबस है आपका इंजीनियरिंग मटेरियल के लिए। जो इसमें वैसे तो सारे के सारे इसमें इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो आपके एक मेटल एंड अलॉयज हैं। थोड़ा लेंथी चैप्टर है लेकिन ईजी है, कंसेप्ट है आपका, समझना पड़ेगा आपको इन चीज़ों को। हीट ट्रीटमेंट में भी आपका ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। तो ये भी इसमें आपको देखना पड़ेगा कि आपका अनीलिंग कर रहे हैं तो कौन सा टेम्परेचर है, थोड़ी सी टेम्परेचर रेंजेस इसमें आपको याद रखनी होगी। तो ये आपका ओवरव्यू हो गया पूरा सब्जेक्ट का। आई एम इंट्रो से शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले क्या है आपका कि इंजीनियरिंग मटेरियल है क्या, आपका डेफिनेशन क्या है आपकी। डेफिनेशन नाम से पता चल रहा है मटेरियल का साइंस, ठीक है, साइंस ऑफ मटेरियल, के मटेरियल के बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन। एक्चुअल में ये सब्जेक्ट की जो एक्चुअल में स्टडी होनी शुरू हुई है वो ये आपकी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई है आपकी यूरोप में 17th सेंचुरी में। उसके बाद आपका ये जो आपका सब्जेक्ट है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया, क्योंकि आपकी जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई है आपकी, उसमें क्या हुआ कि आपका आयरन और स्टील है बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली उनका प्रोडक्शन हुआ और बहुत सारी चीज़ें आपकी स्टील की बननी शुरू हो गई। तो उनको मटेरियल को हमने यूज़ करना है तो उसकी स्टडी इम्पॉर्टेंट है कि हम कहीं पर कोई किसी चीज़ को एप्लीकेबल कर रहे हैं, उसकी एप्लीकेशन, तो उसके हमें प्रॉपर्टीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पर हमारा प्रोडक्ट है वो सूटेबल है या नहीं है। तो इसलिए मटेरियल साइंस आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखने लगा। अब डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले कि डेफिनेशन में क्या आएगा इसमें। अगर आपको पेपर में सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि डिफाइन इंजीनियरिंग मटेरियल, तो इसमें आपने सबसे पहले क्या करना है, इट इज़ अ स्टडी। किस चीज़ की स्टडी है इसमें, हम क्या क्या स्टडी करने जा रहे हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, ठीक है, डिफरेंट स्ट्रक्चर इन द सेंस के डिफरेंट मटेरियल, मटेरियल का स्ट्रक्चर कौन कौन सा है। सबसे पहले देखेंगे कि मटेरियल कौन कौन से हैं। सबसे पहले क्या होगा कि कितने तरह के आपके मटेरियल्स होते हैं, आपका मेटल है या नॉन मेटल है, अगर मेटल है तो वो फेरस है या नॉन फेरस है, वो सबसे पहले आपका इसमें लिखेंगे। इट इज़ द स्टडी ऑफ डिफरेंट मटीरियल देयर स्ट्रक्चर। जैसे सेकंड चैप्टर में मैंने बताया कि हम उसमें स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं कि इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, एटम्स का अरेंजमेंट क्या है आपकी आपके मटेरियल के बीच में। थर्ड वन, इट्स प्रॉपर्टीज, के मटेरियल जो आप हम उसको यूज कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है, वो एप्लीकेबल है आपका यहाँ जब जिसको आप यूज कर रहे हैं कि वहां वहां पर एप्लीकेबल है या नहीं है। लास्ट वन है उसका एप्लीकेशन टू इंजीनियरिंग, कि एप्लीकेशन क्या है, मटेरियल को मैंने डिफरेंट मटेरियल पढ़ लिया, उसका स्ट्रक्चर पढ़ लिया, उसका प्रॉपर्टीज पढ़ लिया, लेकिन वो यूज़ कहाँ हो रहा है, हम उसको कहाँ यूज़ करने वाले हैं। सो दैट्स कॉल्ड एप्लीकेशन टू इंजीनियरिंग, ठीक है। तो यहाँ से आपका डेफिनेशन निकल के आता है इंजीनियरिंग मटेरियल का। दिस इज सो डेफिनेशन क्या होगा, इट इज़ द स्टडी ऑफ डिफरेंट मटीरियल एंड देयर स्ट्रक्चर, देयर प्रॉपर्टीज एंड देयर एप्लीकेशन टू इंजीनियरिंग, ठीक है। ये आपका डिफाइन हो गया कि इंजीनियरिंग मटेरियल क्या है। इसके बाद हम क्या देखेंगे इसमें, अब ये सारी चीजें हम जो हमने अभी देखा कि स्ट्रक्चर क्या है, मटेरियल कौन से हैं, प्रॉपर्टीज क्या हैं, अब सपोज कर लो इसकी जरूरत क्यों है, ये स्टडी हम क्यों कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें। सपोज करो कोई भी आपका कार मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट लगा हुआ है, कार मैन्युफैक्चर हो रही है आपकी, ठीक है, तो उन्होंने क्या करना, कार मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको उनको एलिमेंट चाहिए जो उसका आपका शीट बनाएगा, जो आपकी बॉडी को तैयार करेगा। तो वो आपका एलिमेंट आपका क्या होगा, आप वहाँ पर आयरन यूज़ करेंगे, आप वहाँ पर एल्युमिनियम यूज़ करेंगे, आप वहाँ पर प्लेटिनम यूज़ करेंगे, कि क्या यूज़ करोगे, ठीक है, आपको कन्वीनियंट भी हो, ठीक है, ड्यूरेबल भी हो। तो वो सारी चीज़ें आपके कहाँ आती हैं, उसको हम बोलते हैं सिलेक्शन ऑफ मटीरियल,
किसी भी कंपोनेंट को तैयार करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है कि सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, कि आप कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं। तो सिलेक्शन कहाँ से होगी, जो हमने पीछे पढ़ा प्रॉपर्टी से, ठीक है, उसकी स्ट्रक्चर से, इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे कि वो कैसे बिहेव करती है, मिनिमम टेम्परेचर पर कितना कैसे बिहेव कर रही है और मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ पर वो चीज़ यूज होगी तो वहाँ पर उसका बिहेवियर कैसे है। सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज अ सिलेक्शन ऑफ मटीरियल। अब इसके बाद क्या है आपका, सिलेक्शन ऑफ मटीरियल के बाद हम इसमें देखेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मटीरियल। प्रॉपर्टीज में क्या है, कोई भी आप एलिमेंट उठा लो, स्टैंडर्ड लेके चलते हैं हम आयरन, ठीक है, तो हर एक मटेरियल की डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। फर्स्ट वन हम इसमें होगा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बाद हम इसमें देखेंगे आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज, फिर होगी इसकी थर्मल प्रॉपर्टीज और फिर होगा इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टीज किसी भी मटेरियल को सिलेक्शन के लिए उसकी ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज चेक करना मस्ट है, ठीक है। अब क्या है मैकेनिकल की प्रॉपर्टीज में क्या क्या हो सकता है, स्ट्रेस हो सकती है कि मटेरियल कितना मैक्सिमम स्ट्रेस आपका ले सकता है। कोई मटेरियल है सपोज कर लो आप यूज कर रहे हो इंडस्ट्री में, ठीक है, तो उस पर मैक्सिमम कितना आपका वहां पर आप लोड उठा लेगा और कितनी वो स्ट्रेस मैक्सिमम झेल सकता है, तो वो फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी आपकी मैकेनिकल की स्ट्रेस। और क्या होगा, स्ट्रेन होगा आपका कि कितना स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ, दैट मीन्स कितना उसमें आपका लेंथ में चेंज आ गया है। इलास्टिसिटी, मटेरियल कितना इलास्टिक है, ठीक है, वो इसमें देखेंगे। फटीग आएगा फिर इसमें कि मटेरियल में फटीग कितनी प्रोड्यूस हो रही है ड्यूरिंग ऑपरेशन। तो ऐसे मैकेनिकल की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो हम सारी की सारी डिस्कस करेंगे। सेकेंड, केमिकल में सपोज कर लो एग्जाम्पल ले लेते हैं क्रोजिवनेस। क्रोजिवनेस मतलब कि वो मटेरियल आपका कितना ज़्यादा एंटी आपका क्रोजिव है, दैट मीन्स क्रोजिव, क्रोजन क्या होता है आपका कि जंग लग जाना, तो वो हम किस में पढ़ेंगे, केमिकल के प्रॉपर्टीज में। सपोज करो नेक्स्ट आ गई आपकी थर्मल, तो थर्मल में क्या देखेंगे हम, सपोज करो इसमें हम देखते हैं कंडक्टिविटी, फर्स्ट मेजर प्रॉपर्टी है इसमें कंडक्टिविटी, ठीक है, और है इसमें स्पेसिफिक हीट। कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टिविटी की मटेरियल कितना कंडक्टेबल है किसी को हीट को सप्लाई करने के लिए। सपोज कर लो आपका जो वायर्स हैं कॉपर वायर है उसकी मैक्सिमम कंडक्टिविटी है, इसलिए हम उसको आपके जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं उसमें वायर्स में हम कॉपर और सिल्वर यूज करते हैं, ठीक है, तो वो क्या चीज़ होती है, कंडक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है कि ये मटेरियल करंट को या हीट को कितना कंडक्ट कर सकता है, ठीक है। स्पेसिफिक हीट भी वैसे ही एक सेम फिनोमिना हम बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक उसमें हिस्टेरेसिस वगैरह कितनी है सॉरी तो वो सारी की सारी चीजें हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में चेक करेंगे। नेक्स्ट इसमें आ जाता है आपका क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स। क्लासिफिकेशन में क्या होगा आपका, कि मटेरियल को हमने क्लासिफाई करना है कि कितने तरह के मटेरियल हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया कि कौन कौन से हैं, सबसे फर्स्ट क्लासिफिकेशन है आपकी कि ये मेटल है या आपका नॉन मेटल है। मेटल का एग्जांपल देना हो आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, तो ये सारे क्या हैं, ये मेटल्स हैं आपके। नॉन मेटल्स क्या हो गया, वुड, रबड़, ग्लास, तो ये सारी क्या चीज़ें हैं, ये नॉन मेटल हैं, ठीक है। जैसे आपकी प्रॉपर्टीज हम आगे डिस्कस करेंगे, मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन नॉन मेटल क्या है, नॉन मेटल आर द बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वुड से आप हीट को पास नहीं कर सकते हो, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी उसमें से आप पास नहीं कर सकते हो, रबड़ से भी, ग्लास में, सारी की चीज़ें क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं आपकी। अब मेटल की फिर आगे फर्दर क्लासिफिकेशन आ जाती है कि क्या है ये, कौन सा मेटल है ये, ये फेरस मटेरियल है या फिर नॉन फेरस मटेरियल है।
ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया आपका फेरस दैट दैट कंटेन मेजोरिटी ऑफ आयरन, मैक्सिमम कंटेंट अबाउट 90% इसमें क्या होगा आपका आयरन होगा। नॉन फेरस में द मेजर कंस्टिट्यूएंट इज अदर देन आयरन, उसमें आयरन नहीं होगा आपका, ठीक है। जैसे कॉपर हो गया, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, तो इसमें आपका जो आयरन है उसका परसेंटेज बहुत कम होता है, ठीक है। इसमें क्या है आपका, जैसे सपोज करो आयरन में आप फेरस मटेरियल की एग्जांपल ले लेते हैं स्टील, तो स्टील में क्या है आपका 95% तक क्या है आपका आयरन है, ठीक है। 1.5% के आसपास इसमें आपका कार्बन होता है और अदर आपके होते हैं लाइक मॉलिब्डेनियम, टंगस्टन वगैरह और क्रोमियम वगैरह, पॉइंट्स में उसका परसेंटेज होता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ में केस में आएगी फेरस में, और ये सारी फेरस हो गई, और नॉन फेरस दैट डजंट कंटेन आयरन एज अ मेन कंस्टिट्यूएंट। इसके बाद आपका इसमें आता है नेक्स्ट आ जाते हैं कंपोजिट मटेरियल, ठीक है। क्लासिफिकेशन में ही आपका एक और चीज आ जाएगी कि कंपोजिट मटेरियल्स, कंपोजिट मटेरियल दैट आर मेड अप ऑफ बाय मिक्सिंग टू और मोर डिफरेंट आपके एलिमेंट्स को जो हम ऐड करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कंपोजिट मटेरियल्स बनते हैं, ठीक है। सपोज कर लो अलॉय है आपका, अलॉय व्हील्स होते हैं जैसे आपकी बाइक्स के, तो वो क्या है वो मिक्सिंग है आपकी दो और तीन डिफरेंट एलिमेंट्स की, तो वो सारा क्या होते हैं, कंपोजिट मटेरियल्स होते हैं। तो ये आपका बेसिक सा इंट्रोडक्शन था आज आपका, ठीक है। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ सारा। फर्स्ट वन आपका डेफिनेशन आएगा इंजीनियरिंग मटेरियल, इंजीनियरिंग मटेरियल की डेफिनेशन क्या है, इट इज़ द स्टडी ऑफ डिफरेंट मटेरियल, देयर स्ट्रक्चर, देयर प्रॉपर्टीज एंड देयर एप्लीकेशन टू इंजीनियरिंग, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया कि इसकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं, अलग अलग तरह की प्रॉपर्टीज हैं, मैकेनिकल हैं, केमिकल हैं, वो सारी आगे जाकर हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि मैकेनिकल में अगर स्ट्रेस है तो स्ट्रेस में क्या डेफिनेशन है, वो अकेला अकेला हम आगे जाकर देखेंगे इसमें, ठीक है। उसके बाद क्लासिफिकेशन आ गया, जैसे मेटल, ये मैंने बताया ये तीसरे चैप्टर में आपको इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ फेरस एंड नॉन फेरस, एंड फेरस जितने भी मटेरियल हैं और जितने भी नॉन फेरस हैं उसकी अलग अलग की कंपोजिशन और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, कहाँ कहाँ उसका एप्लीकेशन है, वो सारी की सारी चीज़ें हम आपके थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे। ये वाला फेरस एंड नॉन फेरस और कंपोजिट मटेरियल का भी एक पूरा चैप्टर है जो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, आपके सेकंड लास्ट चैप्टर होगा जो वो होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और जो आपने घर जाकर इसका जो देखना है, इसमें जो आपने काम करना है उसमें क्या है आपका, तो जितने भी आपके जैसे बुक का आपने इसके लिए रेफर करनी है, ईगल की आपकी बुक है, ईजी लैंग्वेज है आपका, IPH भी है आपका बुक, ये भी आप रेफर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर थोड़ा ईजी लैंग्वेज अगर आपको चाहिए तो फिर आप ईगल आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो जितने भी आपके चैप्टर होंगे उसमें आपका क्या होगा, जितने भी चैप्टर होते हैं उसके लास्ट में आपके एक ऑब्जेक्टिव टाइप दिए होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। उसको आपने जब भी आप जैसे जितना मैंने पढ़ा दिया है आपको इंट्रोडक्शन में, तो अब इंट्रोडक्शन का आप जाकर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देखोगे तो उसमें से आप फिलअप्स को सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। जैसे आपके फर्स्ट चैप्टर में 15 फिलअप्स दी गई हैं तो वो सारी की सारी एक बार उसको देखो, ठीक है। अगर उसमें कोई आपको नहीं समय लग रहा है, ठीक है, तो उसको चैप्टर में से रीड करो वहाँ से पीछे जाकर कि ये इसका क्या आंसर होगा, ठीक है। आंसर वैसे दिए हुए हैं लेकिन एक बार उसको आप खुद जो पढ़ा हुआ है उसमें से उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।